हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची की बात करें तो विषय है इसमें राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। संबंध अनुच्छेद की बात करें तो 1 एवं 4। दूसरी अनुसूची परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो 59, 65, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एवं 221। तीसरी अनुसूची देखें, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार हैं संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अनुच्छेद देखें तो 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एवं 219। चौथे अनुसूची देखें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4 एवं 80। पांचवा अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध 244। छठवीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 244 एवं 275। सातवीं अनुसूची, संघ सूची मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 98 विषय, राज्य सूची मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 59 विषय, तथा समवर्ती सूची मूल रूप से 47 फिलहाल 52 विषय के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन 246। आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। अनुच्छेद की बात करें तो 344 एवं 351। नवीं अनुसूची, भू सुधार और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित, राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित, संसद के अधिनियम और विनियम मूलतः 13 परंतु वर्तमान 282। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संविच्छा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 31 ख। दसवीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता के बारे में उपबंध। इस सूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है। 102 एवं 191। ग्यारहवीं अनुसूची, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 243 छ
12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारी है। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया 243 पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।